नमस्कार, मैं उजिया और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश के सागर शहर के उपनगर मकरोनिया क्षेत्र की यातायात व्यवस्था का हाल बेहाल है, लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में यातायात निरीक्षक द्वारा यातायात सुधारने की मुहिम शुरू की गई है। यातायात पुलिस की इसी कवायद के तहत गुरुवार को यातायात निरीक्षक रीति सिंह मकरोनिया चौराहे का जायजा लेने पहुंची और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करवाने की कोशिश शुरू की। चौराहा शहर का सबसे व्यस्तम चौराहा माना जाता है। यहां से 5 महत्वपूर्ण मार्ग गुजरते हैं, जिसकी वजह से वाहनों की रेलम्पेल दिनभर बनी रहती है तथा यहां वाहन चालक दिनभर परेशान होते रहते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए इस चौराहे पर सिग्नल शुरू करवाने के साथ साथ डिवाइडर तथा स्टाफर लगाकर व्यवस्था दुरुस्त करने में प्रशासन जुट गई है। ज्यादा जानकारी के लिए आइए देखते हैं सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की ये रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार। यहाँ पर जो चौराहा है मकरोनिया चौराहा, यहाँ पर यातायात व्यवस्थित करने के लिए यातायात थाने की तरफ से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया था कि इस चौराहे को व्यवस्थित किया जाए। इसमें यातायात DSP सर के निर्देश पर हम लोग सब लोग मिलकर यहाँ पर अभी क्या सिग्नल लगे हुए हैं जो उनको चालू कराकर बातचीत चल रही है, चालू कराकर उनको टाइम टू टाइम जो टाइमर होता है उनका उससे एडजस्ट करके यहाँ के चारों तरफ जो 4-5 रास्ते हैं उसको व्यवस्थित करेंगे और जो गाड़ियाँ पार्किंग को लेकर जो असुविधा होती है तो उनको व्यवस्थित करने के लिए हम लोग रोड स्टड और स्प्रिंग पोल इन सब का इस्तेमाल करेंगे और डिवाइडर के तौर पर हम स्टॉपर का उपयोग करेंगे ताकि मकरोनिया चौराहा जो मेरे ख्याल से यहाँ बहुत बड़ा चौराहा है जिसे व्यवस्थित होना चाहिए तो इससे काफ़ी फर्क पड़ेगा और यातायात व्यवस्थित। मैडम, पहली बार आप निरीक्षक बने यातायात में, मैडम ये पहली बार सराहनीय कदम आपने उठाया, आपको क्या मकरोनिया चौराहे व्यवस्था कैसे लगा कि आपने इसको व्यवस्थित करना? अभी देखिए यहाँ पर जैसे रोटरी नहीं थी तो टेम्प्रेरी रोटरी के उससे भी होता और रैक चलते हैं तो काफ़ी बड़े वाहन भी निकलते हैं, बसें भी निकलती हैं, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये चौराहा व्यवस्थित होना चाहिए, इसलिए ये प्रक्रिया चल रही है। थैंक यू मैम।